नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद और गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जे कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार दिए गए आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार से कई सवाल किए, लेकिन बिहार सरकार के जो वकील थे उन्होंने कहा कि इस पर जवाब देने के लिए हमें कुछ समय चाहिए और अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। तो सवाल यही है कि आनंद मोहन बाहर रहेंगे या अंदर जाएंगे, ये बिहार सरकार के जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जो याचिका दायर की गई है उसमें तो जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने यही मांग की है कि आनंद मोहन को बाहर रहने का अधिकार नहीं है। हेमंत जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 महीने के लिए टाल दी है, 3 महीने के बाद इसकी सुनवाई होगी। हाँ, सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दिया है, तो सरकार बताए और उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है रिहाई का वो पेश करने के लिए कहा है। इस पूरे मामले का जो सेंटर पॉइंट है वह यह है कि जो जी कृष्णैया की पत्नी हैं उमा कृष्णैया, उनका कहना है कि आनंद मोहन को जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में उनको फांसी की सज़ा हुई थी निचली अदालत से 2007 में, और 1 साल के बाद ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट ने उस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो एक राहत तो उनको वहाँ मिली कि उनकी जो फांसी की सज़ा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तो जो उम्र कैद हुआ तो उनको आजीवन, उनको मरने तक यानी कि अंतिम सांस तक जेल में ही रहना है। वो इसकी व्याख्या इस रूप में उनकी द्वारा की जा रही है कि उनको जेल से रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, उनको जेल में रहना चाहिए, और इस ये ग्राउंड है उमा कृष्णैया का। अब सरकार ने जो उनको रिहा किया है, बिहार का जेल मैनुअल जो था उसको शिथिल किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि किसी भी सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट की हत्या का कोई अगर मामला, कोई अगर व्यक्ति है हत्या के मामले में संलिप्त दोषी पाया गया व्यक्ति है, अगर वह जेल में है सजायाफ्ता है तो उसको सजा माफ़ी का मौका नहीं मिलेगा। तो इस कानून को स्थिर करके आनंद मोहन को यह रिहा किया गया। उनकी रिहाई के साथ 26 और लोग रिहा हुए, यानी कि कुल 27 लोग उसमें रिहा किए गए थे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ आज इस चर्चा के बहाने कि अभी लगातार 2 दिनों के भीतर में सुप्रीम कोर्ट में बिहार के 2 मामलों की सुनवाई हुई। एक कल जो सुनवाई हुई वह था बिहार में जाति गणना को लेकर, जिसमें सरकार गई थी राहत के लिए, पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी कि पटना हाई कोर्ट ने जो जाति गणना पर जो रोक लगाई है उसको, उस रोक को शिथिल किया जाए, उस रोक को हटाया जाए और जाति गणना करने की सरकार को अनुमति दी जाए। और दूसरा आज मामला आनंद मोहन से जुड़ा हुआ था। ये दोनों मामले मुझे लगता है कि बिहार के आम जनमानस को उद्वेलित करने वाले मामले हैं। जाति गणना का सवाल बिहार के आम आवाम के की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का सवाल है। उसकी वजह मैं इस रूप में देखता हूँ कि जब ये कहा जा रहा है कि जाति आधारित जो समाज है उसमें जो ये डेवलपमेंट का इंडेक्स है, जो डेवलपमेंट का सूचकांक है, उसके पैमाने पर ये देखा जाए कि आखिरकार कौन लोग कहाँ कहाँ हैं, किन की क्या भागीदारी है, तो इसको देखने का एक तरीका ये है कि आप इस तरह का एक सर्वे आप करवाएं। कई दूसरे राज्यों ने भी इसको करवाया है, तो ये बिहार में भी इसकी मांग हो रही थी। तो यह इसको लेकर के पहले तो सरकार के हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई, उसके बाद सरकार ने कहा कि आपका अंतरिम रोक जो है वो अंतरिम आदेश की तरह है, इसलिए 3 जुलाई तक सुनवाई के लिए रुकने से बेहतर है कि आप
पहले सुनवाई कर लें, तो हाई कोर्ट ने पहले सुनवाई करने से मना कर दिया कि नहीं, हम जब सुनेंगे तो आपको 3 जुलाई को ही सुनेंगे, आपको कहने का मौका तो हमने दिया ही था, तो आप जो कहे वो तो हमने सुन लिया है, तो अब नई बात आप क्या कहेंगे। तो इसलिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको हाई कोर्ट में ही जाना होगा। हाई कोर्ट ने जो तारीख तय की है उस तारीख पर जो कुछ होता है, तो अगर आपको आप संतुष्ट नहीं तो 13 तारीख को हम आपको सुनेंगे। इतना ही नहीं हेमंत जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जब सरकार के जो अधिवक्ता थे जब वो गिड़गिड़ाने लगे कि कम 10 दिन का मोहलत दे दिया जाए सरकार को, क्योंकि 80% काम पूरा हो चुका है और बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, इस पर भी कोर्ट ने कोई नरमी नहीं दिखाई। मैं वही कह रहा था कि ये जाति, मैं दोनों मामले को जनता आम लो जनमानस को उद्वेलित करने वाला जब मैं कह रहा हूँ, तो उसको इस रूप में देखिए कि जाति गणना को लेकर के जब ये बात सामने आई है तो आखिरकार खुश कौन लोग हो रहे हैं, कौन लोग इसको कह रहे हैं कि इसे जातिवाद बढ़ जाएगा। जो मैं समझता हूँ कि जो जाति का सबसे अधिक फायदा जिनको मिला है, फायदा इस रूप में कि जातियों की जो श्रेणीबद्धता है, जो हायरार्की है, उस हायरार्की में जो फायदा लोग जिनको मिला है, उनको लगता है कि जातिवाद बढ़ जाएगा। यानी कि जिनको जाति, सिर्फ जाति फलानी जाति के होने की वजह से जिनको फायदा मिलता है, उनको लगता है कि जातिवाद बढ़ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हुए लोग हैं उनको लगता है कि जातिवाद बढ़ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा नीचे हैं उनको, वो तकलीफ में हैं, उनको लगता है कि अच्छा होता, गिनती हो जाती, पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, कौन कहाँ है। तो ये जनता की आकांक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरे कि आनंद मोहन की रिहाई से भी आम जनमानस जो है वो आहत और उद्वेलित है। खुश कौन लोग हैं? जो एक खास वर्ग के लोग खुश हैं, एक खास वर्ग के लोग जो संपन्न हैं, ताकतवर हैं, और ताकतवर तमाम जगहों पर जो हैं वो इसको लेकर के उनको लगता है कि ये अच्छा हुआ जो वो मुक्त हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के है ये दोनों मामला जनता के पक्ष से अगर खड़ा होकर के आप देखेंगे तो ये लगेगा कि दोनों जगह बिहार सरकार से कहीं ना कहीं चूक हो रही है। एक जाति गणना कराने के मामले में भी ये कहा जा रहा है कि सरकार ने अगर बिहार विधानमंडल से कोई कानून पारित करवा लिया रहता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। उसी तरह कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने अगर अपने अंदर झांका होता तो आनंद मोहन को रिहा करने का फैसला नहीं लेती। बिल्कुल, क्योंकि सरकार को कोई फायदा ही नहीं है उसे। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी को ये लग रहा है कि ये गलत हुआ है। गलत हुआ जी, दलित विरोधी है, तमाम चीजें लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मामला जो है इसको इसी रूप में देखने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 दिनों के भीतर 2 मामले आए सरकार के, बिहार से, जिसमें बिहार सरकार सीधे संलग्न, उसमें संलिप्त है, तो उन दोनों मामले का सोशल कनेक्शन आप जब देखेंगे तब इसको ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। हम आज यही बात कहना चाह रहे हैं कि इसका सोशल कनेक्शन ये है। एक बिहार का बहुत बड़ा तबका जो है वो चाहता है कि जाति गणना हो। जी बिल्कुल, हेमंत जी एक चीज बताइए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ठीक है, आपको हम 3 महीने का समय देते हैं, बिहार सरकार को आनंद मोहन के मामले में 3 महीने का वक्त क्यों चाहिए? क्योंकि जब सब कुछ उसने किया तो उसे तो पता है सब कुछ। मुझे भी नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 महीने का वक्त क्यों दे दिया है। मुझे लगता है कि शायद समर वेकेशन को लेकर के ये हुआ कि अब वेकेशन जज ही मामले को देखते हैं, तो पूरा तो हो सकता है कि छुट्टियों के बाद इस मामले पर सुनवाई हो। जी, तो आनंद मोहन बाहर रहेंगे या भीतर जाएंगे, इस पर जो है सुनवाई 1 अगस्त को होगी। और सुनवाई जब कहते हैं कि कानून का चक्की चलता है तो धीरे धीरे चलता है, लेकिन एक न एक दिन जो है वो सही वक्त पे अपने स्थान पे पहुंच जाता है और लोगों को इंसाफ मिलता है। तो देखिए कितना वक्त लगेगा जो पटिशनर हैं उन्हें इंसाफ मिलने में।